ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिभुवन एम जायसवाल ने वरिष्ठ समाज सेवक एवं जाने माने उद्योगपति वंश बहादुर जायसवाल को AIACB का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त संस्था का मकसद समाज के हर तबके के नागरिकों को समाज में बराबर का दर्जा दिलाना है, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, संस्कार युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस अवसर पर त्रिभुवन जायसवाल ने संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारियों को भी एक सादे समारोह में नियुक्ति पत्र सौंपा। ऑल इंडिया करप्शन में आज से जवाबदारी लिया हूँ, भला पूर्वक अच्छे से काम करूँगा और महाराष्ट्र में जितना हो सके उतना लोगों से मिलूँगा, जुड़ूंगा और निष्ठापूर्वक काम करूँगा, तो यही हमारा तमन्ना है। आप पहले से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, समाज कार्य कर रहे हैं? जी पहले से। अब और एक नई जवाबदारी आपको मिल रही है? जी सर, इसको भी मैंने इच्छापूर्वक बालाभूति निभाएंगे अच्छे से। क्या कहेंगे सर के बारे में, आपके साथ में? सर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उत्तर भारतीय हैं और इनसे मिलके बहुत अच्छा हुआ, इनके साथ जुड़ गया मैंने। अभी और भी इस ऑल इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरो को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग समय निकाल के यहाँ पे आए हैं हमारे जायसवाल जी के पास। जायसवाल जी की एक छवि साफ सुथरा छवि है और एक उद्योगपति है और सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। कोरोना महामारी में भी उन्होंने बहुत लोगों की मदद की और बहुत लोगों को राशन बांटा, बहुत लोगों को दवा का इलाज कराया, बहुत लोगों को जो तकलीफ था उसको अपने दिल से काम किया। और ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड ने इनके काम को देखते हुए, इनके लोगों को मदद करते हुए और एक विचारधारा इनका देखते हुए इनको महाराष्ट्र की जवाबदारी दी है कि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के पद पे आज नियुक्ति किया है कि ये महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, संस्कार युक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और माता पिता को संकल्प दिलाकर भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और काफ़ी लोग इनके साथ में सक्रिय है काम करने के लिए और उनका आज प्लेटफॉर्म पे ऑल इंडिया एंटी करप्शन बोर्ड के ऊपर नियुक्ति कर दिया गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे ऑल इंडिया एंटी करप्शन में जुड़कर माता पिता शिक्षक अपने युवा पीढ़ी को जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत।